आपके लिए चिड़ावा शहर में खुल चुका है राजस्थली रिसोर्ट, वह भी स्विमिंग पूल के साथ, जहां आपको स्विमिंग पूल के साथ साथ स्वादिष्ट खाना और फैमिली के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी, वह भी गार्डन के साथ। चाहे खाना खाने जाना हो आपको फैमिली के साथ, चाहे जाना हो आपको डेट पर, या देनी हो दोस्तों को पार्टी, तो चले आइए राजस्थली रिसोर्ट पर, क्योंकि राजस्थली का है वादा, खाने में रखेंगे आपके लिए स्वाद ज्यादा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, कैमरामैन संदीप के साथ। इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चिड़ावा शहर के नज़दीकी गांव डांगर से। बिल्कुल झुंझुनू जिले के चिड़ावा के पास का ही नज़दीक गांव है डांगर, सूरजगढ़ तहसील के अंदर ये गांव आता है, और यही का हमारा एक लाल जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुका है। बिल्कुल ब्रह्मास्त्र दुर्घटना जो है, एक INS ब्रह्मास्त्र दुर्घटना में वो शहीद हुआ है, और यहाँ पर जो है उनके गांव में, उनके पैतृक गांव के अंदर आप लोग मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण जो है वो पहुँचे हैं, और कल की जो अंत्येष्टि है, जो अंतिम दाह संस्कार जो होना है उसकी तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। बिल्कुल आपको बता देता हूँ, उनके घर के अंदर उनके पिता है वो जमींदार है, उनका बड़ा भाई है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके साथ ही उनकी माता जी जो है उनको अभी तक पता नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, उनका रो रो कर घर में बुरा हाल है, वो आप लोग तस्वीरें देख ही रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि सत्येंद्र की जो है वो 2017 के बाद ही जो लगे हैं, और 17 साल की उम्र में जो है वो इस नेवी में ज्वाइन किया है उन्होंने, और महज उनकी 23 वर्ष उम्र है। अप्रैल के अंदर वो कुछ दिनों की छुट्टी यहाँ पर गांव में पहुँचे थे, किसी घर में शादी थी, उस शादी के दौरान। आपको बता देता हूँ कि अब जो है परिजन उनके लिए रिश्ता देखने वाले थे, उम्र है लगभग 23 वर्ष थी, और उनके परिजन जो है उनके लिए रिश्ता देखने ही वाले थे। अब जो है उनकी उम्र जो है शादी की हुई थी, उनका परिजन और कहना है अब उनके रिश्ते की बात चलाते हैं, उनका रिश्ता जो है अब करते कहीं ना कहीं, लेकिन उससे पहले ही वो देश के लिए शहीद हो गए। ये हमारे लिए गर्व का भी क्षण है, और इसके साथ ही जो है गाँव के अंदर, घर के अंदर गमगीन माहौल है। उनकी माता जी को हालांकि पूरी जानकारी नहीं दी गई है, उनके परिजन हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। INS ब्रह्मपुत्र हादसे में झुंझुनू का लाल सत्येंद्र सिंह साखला हुआ शहीद, कल किया जाएगा अंतिम संस्कार। रविवार 21 जुलाई को मुंबई महाराष्ट्र के नेवी डॉकयार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े INS ब्रह्मपुत्र में आग लग जाने के कारण झुंझुनू जिले का एक जूनियर जवान शहीद हो गया। शहीद जवान सत्येंद्र सिंह साखला, उम्र 23 वर्ष, पुत्र पूरण सिंह साखला झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ तहसील के गाँव डांगर गाँव के रहने वाले थे। गुरुवार को पैतृक गाँव डांगर में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान के गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। जवान के घर में उनकी माता का रो रो कर बुरा हाल है। नेवी जवान सत्येंद्र सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार शाम तक दिल्ली और उसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे तक सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव डांगर लाया जाएगा। डांगर गांव में सैनिक सम्मान से शहीद सत्येंद्र सिंह साखला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। RLP नेता दिनेश सहारण फौजी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद के सम्मान में कल सुबह 10 बजे चिड़ावा से डांगर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सबसे मिलनसार तो, सबसे मतलब जी लगाए पढ़ाई में होशियार तो, 17 साल को लाग गए थो, SSR में ज्वाइनिंग करी थी, 6 साल सर्विस होगी, प्रमोशन हो लियो, गांव में भी सबसे आस बोल के खेल के रहते हो, छुट्टी आते तो भी मिलजुल के खूब आराम से फलाना सब ने गाइडेंस कर तो, नुकरो मतलब अच्छी अच्छी शिक्षा दे तो सब नहीं, और भगवान पता नहीं कैसे मारी उन्हें दबा गई, क्या हो गया कैसे। हादसे की सूचना भाणजा का फोन आया रात ने 9 बजे संडे को, बोले मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं बात कौन कर सकूँ, और तू घर बात कर लिए नहीं, मान लो करीब करीब घर हमेशा ही बात कराया करता हूँ कि मम्मी हमारी भाणा है, मान लो डेली करके ना आपका जीदी बार रोटी खाती, जबकि बस मन मान लो माँ तो माँ ही हो, हाथ माँ उनकी देर पट जाए, अभी अपनी आत्मा में क्यों हो रही हो, जब से वो एब कर बात करा दो यही रट रही। कल आप लोगों को सूचना मिली? हमारे को तो पर कल सुबह मिली थी, जब मेरा वो बनेर और वो बाणजो बड्डो हुआ दोनों गया ही उधर। घर में कौन कौन है उनके? उनके ये दो भाई हैं, मामी और पापा, चार सदस्य हैं। बड़े भाई, बड्डो भाई वो कोचिंग करे हैं, बीएड कर रखी है, मास्टरी की तैयारी करे हैं। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे गांव का राजपूत परिवार का एक लड़का
छोटी सी उम्र में भारतीय नौसेना में देश सेवा के लिए गया और छोटी उम्र में ही ये शहादत उसने प्राप्त की। ऐसे गौरव का भी पल है, भारतीय नौसेना में जो जहाज पे काम करते समय कैजुअल्टी हुई और उस दौरान उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ डांगर गांव में उसके राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। किस तरह की तैयारियां की जा रही है? अभी वो जगह तय करना है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं, जिस प्रकार से वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे अंतिम संस्कार करना है।